सिर्फ तीन मुद्रा आज मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। पूरे शरीर का, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक का कोई भी समस्या हो, आपके शरीर में हड्डियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, दर्द रहता हो, मांसपेशियों में अकड़न रहता हो, या फिर आपके हड्डियों में से कटकट की आवाज़ आती हो, रात को नींद नहीं आती हो, या पूरे ही समय चिंता, फिक्र, तनाव रहता हो, बार बार बीमार हो जाते हैं, शरीर में थकावट बनी रहती है, पूरे ही शरीर के सारे ही परेशानियों को दूर कर देगा सिर्फ ये तीन मुद्रा आप करना शुरू कर देंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। हमारे शरीर में, पूरे ही शरीर में कोई भी बीमारी हो, हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारी हो, या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली बीमारी हो, या हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी रहती हो, किसी भी तरह की जो समस्या है उसे पूरी तरह से हम तभी ठीक कर सकते हैं जब हम इसके ऊपर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये तीनों ही तरीका आजमाना शुरू कर दें। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को तीन मुद्रा बता रही हूँ जिससे आपके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो मुद्रा हम जानेंगे वो है योग मुद्रा। योग मुद्रा से हमारे शरीर में किसी भी तरह का तनाव हो, चिंता फिक्र रहता हो, बार बार आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते रहते हों, और वो ख्याल ना चाहते हुए भी दूर ना नहीं जाते हों, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, डायबिटीज हो जाना, और न जाने कितनी सारी बीमारियां चिंता और फिक्र से ही होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको योग मुद्रा का प्रैक्टिस करना है। योग मुद्रा कैसे करेंगे? योग मुद्रा आपको करने के लिए अपने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, और अंगूठा को लेना है और ये फोर फिंगर को लेना है, यानी ये वाली उंगली। इस प्रकार से आपको इससे मुद्रा बनानी है, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ रखना है, और इसे आप बैठकर अपने पैर के घुटने पे रख सकते हैं, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी रख सकते हैं, और इससे आपको सांस की प्रैक्टिस करनी है। तो आप मेरे साथ ये अभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नाक से सांस खींचनी है, और अपने गले से सांस को छोड़नी है। जिस प्रकार से ठंडे के मौसम में हम कहीं पर ऐसे करते हैं ना, तो बहुत सारे भाप निकल बन जाते हैं, उसी प्रकार से करते हुए अपने सांस को छोड़नी है, और इसे हमें अपने मुंह को बंद करके और नाक से छोड़नी है, सांस को नाक से खींचनी है। और जब भी अपने सांस को नाक से खींचेंगे तो आप अपने बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी का ध्यान करेंगे। हमारे शरीर को हम हमेशा ही युवा रख सकते हैं बिना किसी बीमारी के। इसके लिए हमें अपनी रीढ़ की हड्डी का लचीला रखना बहुत ही आवश्यक होता है। रीढ़ की हड्डी का ध्यान किस प्रकार से आपको रखनी है? तो रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसे हम टेलबोन बोलते हैं, वहाँ से शुरुआत करनी है, और वो हिस्सा हमारे
जहाँ पर खत्म होता है वहाँ तक ये ध्यान आपको ले जानी है। तो आपको नीचे से शुरू करना है और ऊपर की तरफ देखते हुए जाना है। ऐसा आप अपनी आँख को बंद करके करें। वापस से जब दूसरी सांस शुरू करें तो फिर से नीचे रीढ़ की हड्डी यानी टेलबोन से ध्यान लगाते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो आइए एक बार मैं करके आपको बताती हूँ। इस प्रकार से मुद्रा बना लें, सांस को खींचे, जब सांस को खींचेंगे तो आपके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से सोचते हुए देखते हुए ध्यान वहीं पे होने चाहिए। धीरे धीरे ध्यान को ऊपर लाएं, रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपर, और जब सांस को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आप नीचे की तरफ देखते हुए अपने रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला भाग यानी टेलबोन तक देखेंगे। इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 10 बार करनी है। इसे आप सुबह के वक्त करेंगे तो भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप इसे जब भी वक्त मिले कर सकते हैं। दूसरा जो मुद्रा है उसे हम वायु मुद्रा बोलते हैं। वायु मुद्रा का मतलब है शरीर में अगर वात बिगड़ गई है, वात के बिगड़ने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम सभी जानते हैं सिर का दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द रहना, अकड़न रहना, तो ये वायु मुद्रा शरीर के हर एक वात की समस्या को दूर कर देता है। इसे करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपने हाथ के अंगूठे को और ये फोर फिंगर को यानी ये वाली उंगली को इस प्रकार से अंगूठे से दबानी है, देखिए ऐसे, और दबा के तब आपको ये क्रिया करनी है जो सांस वाली क्रिया हमने बताई। सांस को जब खींचनी है तो आपको रीढ़ की हड्डी के नीचे से देखते हुए सांस को धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जानी है, ध्यान नहीं भटकानी है। और जब छोड़ेंगे तो मुंह को बंद रखेंगे और नीचे की तरफ आपको देखते जानी है। इस प्रक्रिया को भी आप 10 बार करें। शरीर में किसी तरह का भी वायु से जुड़ी हुई बीमारी हो, ये हमारे शरीर के हर एक वात के रोग को ठीक करता है। शरीर में जब वात बिगड़ती है तो 80 से भी ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। इसको आज से ही करना शुरू करें। जो लोग बीमार हैं वो लोग भी करें, जो नहीं बीमार हैं वो भी करें। वैसे तो अभी बहुत कम उम्र में वात की समस्या होनी शुरू हो रही है, तो इसीलिए आप सभी कितने भी उम्र के हों आप इस प्रक्रिया को करना शुरू कर दें। अद्भुत सा आप इसमें बदलाव महसूस करेंगे। अभी मैं आपको तीसरी जो प्रक्रिया मुद्रा बता रही हूँ वो एक संजीवनी है। वो हमारे शरीर में प्राण वायु को बढ़ाती है, इसीलिए हम इसे प्राण मुद्रा बोलते हैं। प्राण हमारे शरीर के अंदर रहती है तभी हम सजीव हैं, हमारे अंदर जीवन डालती है। प्राण वायु को जागृत करने के लिए मुद्रा आपको रोज ही करना है। इससे हमारी उम्र लंबी होती है, चेहरे पे चमक कांति बनती है, हम युवा दिखते हैं, अंदर से भी युवा होते हैं, और पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। बाल अच्छे होते हैं हमारे शरीर में। अगर आंखें खराब हो रही हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो आप आज से ही ये मुद्रा शुरू करें। आंखों की रोशनी ठीक होने लगेगी, आपके पावर वाले चश्मे उतर जाएंगे कुछ दिन अगर आप इसका प्रयोग करेंगे। गले से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, सांस से जुड़ी हुई बीमारी हो, दमा हो, सांस लेने में तकलीफ होता हो, या किसी भी तरह के पेट में कब्ज रहता हो, ये हर तरह की बीमारी को शरीर से निकालता है। शरीर में एक गजब का ऊर्जा भरता है जिससे पूरे शरीर में प्राण का संचार होता है।
तो आइए जानते हैं इस मुद्रा को कैसे करना है और आप मेरे साथ इसे कर सकते हैं। इसके लिए अपने दोनों हाथों के ये दो उंगलियां लेनी है और अंगूठा लेना है। इस प्रकार से मुद्रा बनानी है और ये दोनों उंगली को ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है, और अपने पैर पे रख लें इसे और अपने आँखों को बंद करके, अपने मुंह को बंद करके सांस को खींचें और अपने रीढ़ की हड्डी के टेलबोन को देखें, नीचे से ऊपर जाना है सांस को खींचते हुए और ऊपर से नीचे देखते हुए आना है सांस को छोड़ते हुए। आइए करके दिखाती हूँ। जब इस प्रक्रिया को आप कर रहे हो, अपने दांत को दांत पे चढ़ा के नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। शरीर से हर तरह की बीमारियां दूर होंगी, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। तीनों ही तरह से आप अगर हेल्दी हो जाएंगे तो आपके शरीर से सारी ही बीमारियां दूर हो जाएंगी। लगातार इसका प्रैक्टिस करना शुरू करें, इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। साधारण सी दिखने वाली ये मुद्राएं गजब का लाभ देंगी, जो आपको इतनी सारी दवाइयां खाकर भी लाभ नहीं मिल रही हैं। आज से ही इसको शुरू करें। वीडियो को लाइक नहीं करें लेकिन शेयर ज़रूर से कर दें, ताकि जितने भी लोग परेशान हैं अपने शरीर के बीमारी से, सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपने शरीर के हर बीमारियों को दूर कर सके, ये बहुत ही साधारण दिखने वाली मुद्रा की मदद से। गजब का संजीवनी है ये, आज से ही इसे शुरू करें। एक बात का ध्यान रखना है कि इस मुद्रा को आपको शांत जगह पर एकांत होकर ध्यान केंद्रित करके ही करना है। ऐसा नहीं कि आप इसे कहीं भी टीवी देखते हुए, गाना सुनते हुए कर रहे हैं, नहीं, ध्यान को केंद्रित करना है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अपना ख्याल रखें, कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, वहाँ से मैं आपका जवाब अवश्य देने की कोशिश करूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।